नमस्कार गाइस, स्वागत है सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आज है हमारी श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तो आप सभी लोगों को मेरे समस्त परिवार की तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाइस कृष्ण जी की कृपा हम सभी के ऊपर बरकरार रहे, हम सभी तरक्की करें, अपने जीवन में खुश रहें, ठीक है जी। तो गाइस अभी के देख लो भाई, शाम के बज रहे गाइस 7 और अभी हमारी काफी सारी प्रिपरेशंस रात की, मतलब यानी कि आज की जन्माष्टमी की लगभग हुई चुकी है। कान्हा जी का भोग भी तैयार है। क्या क्या तैयार हो गया? प्रसाद वसाद तैयार है? तो अभी तो गाइस देखो मम्मी खाने बनाना शुरू कर दिया। तो आज गाइस रात में बन रही है हमारे अभी कूटू की पकौड़ी और साग चावल, समा के चावल की खिचड़ी, ठीक है जी। सिंगाड़े की कतली बन रही है? बन गई, सिंगाड़े की कतली तो बन गई ना। तो गाइस देखिए अपने घर में सबसे पहला भोजन हम ही कर रहे हैं, ये देख लो फूटू की पकौड़ी और दही। जैसा क्योंकि देखो आज मेरा व्रत नहीं है, क्योंकि भाई मैं व्रत रह नहीं पाता हूँ, मेरे बस की बिल्कुल व्रत रहना नहीं है। मैं सही बताऊँ धार्मिक हूँ लेकिन मैं व्रत नहीं रख सकता। तो अब क्योंकि भाई इन कूटू की पकौड़ियों को बनने में टाइम लगता है, इसलिए मम्मी ने कहा कि भैया जो घर में है जो निपट सके वो निपट जाओ, बाकी इसे खा के फटाफट झूले को हम सजा देंगे, उसके बाद देखते हैं थोड़ा इस्कॉन भी हो जाते हैं और दर्शन वर्शन करके आएंगे, थोड़ा देख के आएंगे डेकोरेशन वगैरह क्या है वहाँ, ठीक है जी। One hour later. तो गाइस फाइनली खाना वाना खा लिया है और पेट हमारा फुल हो गया। तो ये है गाइस हमारे कान्हा जी का झूला, इसको सजाने के लिए देखो मैंने कुछ गुब्बारे वगैरह तो फुला लिए हैं, कुछ यहाँ घुसे पड़े हैं, इनको समेटते समेटते मैं परेशान हो चुका हूँ, और कुछ अपारे देखो वहाँ उड़ने की कोशिश कर रहे, इन सब में कंपटीशन लग रहा है कि कौन ज्यादा उड़ेगा। ये सफेद वाला जीत चुका है लगता है, बाकी वो ये देखो उड़े ही जा रहे हैं, उड़े ही जा रहे हैं अपने आप, ये देखो। तो फटाफट गए अपने झूले को ठाकुर जी के हम सजा देते हैं। तो गुब्बारे तो गाइस हमारे पास थे ही, साथ ही में कुछ फूल और माला भी हमारे पास आ गई है इस भाई साहब को सजाने के लिए। तो झूला वगैरह सजाने के बाद हम सीधा इस्कॉन आ गए और यहाँ आके तो गाइस जो वाइब्स आती है ना भाई, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, इतनी खुशी होती है ना यहाँ के, अंदर से मन प्रसन्न हो जाता है। हर जगह लाइटिंग ही लाइटिंग, कृष्ण जी के फोटोज, उन पे लाइट जलती हुई जैसे सामने दिख रही है, पूरा 37 सेक्टर ऐसा बढ़िया सज रहा है, बस क्या बताऊँ मैं। तो यहाँ भी गाइस आज हमें लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा यार, आज तो बहुत भीड़ है भाई, यहाँ बहुत लोग आते हैं दर्शन करने। चलो कोई बात नहीं भैया, भगवान के दर्शन के लिए थोड़ा मेहनत ना करी तो क्या किया। देख रहे हो कितनी सारी लाइन है भाई, डेकोरेशन देखो यार, मतलब हर जगह लाइटिंग लड़ियाँ। गाइस अंदर के तो मैं तुम्हें क्या बताऊं भाई, इतनी प्यारी खुशबू अंदर, इतनी ठंडक, इतनी कामनेस, मतलब इतनी शांति यार, इतने शोर शराबे में भी ऐसा लग रहा था कि पत्नी कहाँ आ गए भाई साहब, सारी मोह माया से दूर, सारे दुख दर्द भूल के केवल अपने ठाकुर जी को देखते हुए। और अंदर जो फ्रेग्रेंस रहती है भाई, पता नहीं ये लोग कैसी किस चीज़ से बनाते हैं, पर बहुत भयंकर यार। और ये गाइस हॉल है जहाँ पर शायद अभिषेक वाली वीडियो चल रही थी, कृष्ण जी की जो अभिषेक हो रहा था। जी यहाँ होता हुआ ठाकुर जी का अभिषेक और सभी लोग मस्त दर्शन करते हुए। अब यहाँ हो गया एक और फजीता, जैसे ही मंदिर से निकले घर जाने के लिए बारिश शुरू हो गई। वो तो यहाँ एक भाई की दुकान खोल ली थी जिसने हमें घुसा लिया, पर चलो कम से कम हमारी स्कूटी साफ हो जाएगी। और भैया बहुत तेज बारिश है। धन्यवाद भाई बचा लिया हमें। में से भाई क्या नाम भाई आपका? सोनू। पूरा सोनू कुमार। सोनू कुमार भाई ने बचा लिया तुरंत ही, बारिश हो गई भाई भी मरते मरते बचे, अभी मरते मरते बचे। कौन है भाई? बारिश आ गई थी तो एक दुकान पे भाई जी सी यहाँ रुक गए थोड़ी देर, चलेंगे फटाफट सीख जाएंगे। यार सिस्टम खराब हो गया यार।